बागेश्वर सरकार की दुल्हनिया बनने की चाहत में एमबीबीएस की छात्रा शिवरंजनी तिवारी आखिरकार 5 दिन के चित्रकूट प्रवास के बाद रामघाट में मां मंदाकिनी की पूजा अर्चना और जल लेके बागेश्वर धाम के लाने पैदल रवाना। वहीं सवेरे रामघाट पर सिर में कलश लेके शिवरंजनी तिवारी पहुंची, जिते साधु संतों की मौजूदगी में उनने मंत्रोच्चारण करके मां मंदाकिनी को जल पूजन करी। मां मंदाकिनी को जल लेने के बाद चित्रकूट के राजा धीराज मत्य गजेंद्र नाथ रामघाट की छोटी परिक्रमा करके भजन कीर्तन करे और ई के बाद रवाना हो गई हैं बागेश्वर धाम के लाने। गंगोत्री से बागेश्वर धाम की कलश यात्रा में चित्रकूट रामघाट से परिक्रमा मार्ग कोई होत भय भरतकूप मंदिर के लाने भी रवाना वहीं। ई के बाद कालिंजर पन्ना होत भय भी गड़ा बागेश्वर धाम पहुँचे। यात्रा गंगोत्री धाम से श्री बागेश्वर धाम तक है और इसका जो भी संकल्प है या जो भी मेरी मनोकामना है वो 16 तारीख को मैं सभी न्यूज चैनल्स को बताऊंगी और इसके उद्देश्य जरूर बता सकती हूँ। इसका 2 उद्देश्य है जो मेरे हिसाब से हैं। पहला तो है सनातन धर्म का प्रचार और जो दूसरा है वो है हमारे संस्कार विहीन समाज को संस्कार के पथ पे लाना। अच्छा, एक चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है, चाहे मीडिया में देखिए सोशल मीडिया में, कि आप उनसे विवाह करने की इच्छा को लेकर के वहाँ जा रही है, कितनी सच्चाई है, क्या लग रहा है? देखिए, मैंने किसी भी वीडियो में ऐसा कहीं भी नहीं कहा या ना ही मैंने ऐसा कहीं दावा किया है कि मैं विवाह का ही प्रस्ताव लेके जा रही हूँ या शादी ही करने जा रही हूँ। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, सभी न्यूज में ये टाइटल चल रहे हैं, हेडलाइंस चल रही है कि मैं बागेश्वर धाम की दुल्हनिया बनूंगी, मैंने धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का प्रण ले लिया है, तपस्या करी, उस तरह तरह की न्यूज है। देखिए, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारे परम पूज्य महाराज श्री जो कि अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणा निधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो इस बात में भी कितनी सच्चाई है मेरे मन में और जो भी मेरा संकल्प है या मनोकामना है वो जो भी है वो हमारे पूज्य महाराज श्री जब मैं उनके समक्ष जाऊंगी तो वो पक्का देख लेंगे, पहचान लेंगे। तो अगर ये वही अगर बताएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या लगता है लाखों की भीड़ में कितना संभव है आपसे मुलाकात को? मुझे मेरे बालाजी पर पूरा भरोसा है क्योंकि मैं 2021 से बालाजी महाराज से जुड़ी हुई हूँ और अब तक 2 सालों में जो मेरी जिंदगी जिस तरह से पलटी है और जो भी मैंने बदलाव महसूस करे हैं, मुझे मेरे बालाजी पर पूरी आस्था है कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे और मुझे नामुराद नहीं बताएंगे। शिवरंजनी तिवारी को कहवो है कि चित्रकूट में 5 दिन रहने के बाद ऊर्जा और सुखद अनुभूति मिली। इतने भगवान ने वनवास काल के दौरान अपने 11.5 वर्ष बिताए, इतने के कण कण में राम हैं और अब उनको अपने लक्ष्य बागेश्वर धाम पहुंचने हैं। शिवरंजनी तिवारी अब 16 जून को कछु बड़ो होवे की बात कर रही हैं। देखने जो ही है कि आखिर उनकी मनोकामना पूरी होत है कि नहीं। चित्रकूट से पुष्पराज कश्यप, बुंदेली, बौछार के लाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।